हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनु मॉडर्न ब्यूटी टिप्स में। और मैं हूँ तनु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झाइयों की। झाइयाँ बहुत कारणों से होती है, या तो वो उम्र ज़्यादा हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से, धूल मिट्टी भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से, तो झाइयों की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। हमें उससे निजात के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगी कि आप अगर आपकी झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई ही हैं और आपकी स्किन लटकने लगी है तो आपको क्या करना है। मैं आपको बहुत ही आसान सा नेचुरल तरीका बताऊंगी, जो आप जो महंगी महंगे प्रोडक्ट भी लगाती हैं ना, उससे ज़्यादा असरदार होगा। बिल्कुल ही हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से वो तैयार करेंगे पेस्ट। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी जैसी भी झाइयाँ हैं, बहुत उम्र बढ़ जाने की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से, कम उम्र में भी आजकल झाइयाँ होने लगी हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, तो उनसे कैसे छुटकारा पाएं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। आपके किचन में ही वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपकी झाइयाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और आप 40 के हैं तो 20 साल के दिखें। तो फिर आपको लेना क्या है, एक बाउल ले लेनी है। बाउल लेने के बाद आपको चाहिए होगा एक चम्मच बेसन, तो मैं यहाँ पर बेसन ले लूँगी। मैंने एक चम्मच बेसन ले लिया है। बेसन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, पुराने से पुराने लोग जितने भी आपने देखे होंगे, जितनी भी लेडीज होती थी वो बेसन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करती थी। वो कोई भी महंगी क्रीम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर उन्हें पूरे बॉडी पर अगर लगाना होता था तो वो बेसन का ही चयन करती थी। तो ये बेसन हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारे चेहरे पे अलग ही ग्लो लाता है, और इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसमें भी निखार आता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है फेस के लिए। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दूध। हम यहाँ पर दूध किसी भी तरीके का ले सकते हैं, यहाँ पर हम कच्चा भी ले सकते हैं, यहाँ पर इसमें बॉयल वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कच्चा दूध ले रही हूँ, तो हम यहाँ पर कच्चा दूध को ऐड कर देंगे। मैंने इसमें दूध को ऐड कर दिया, कम से कम ये एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने दूध को ऐड कर दिया है। दूध भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हमारे स्किन में किसी भी तरीके के दाग धब्बे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कालापन हो जाता है जब हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बहुत जल्दी निखार आ जाता है। अब हमारा इसमें जो ऐड करना है, वो जो लास्ट है इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर हम इसमें एलोवेरा जेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आधे चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को बहुत जल्दी रिपेयर करता है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। अगर आपके पास फ्रेश वाला एलोवेरा जेल हो, प्लांट हो, तो वो ज़्यादा बोलूँगी आपको कि आप वही यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये रेडीमेड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप कुछ भी मिला के अगर आप अपनी स्किन पे नहीं लगाते हैं और खाली एलोवेरा जेल लगा लेंगे, तो बहुत ही अच्छा आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, दाग धब्बे नहीं रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा, सॉरी बहुत ज़्यादा असरदायक होगा। तो ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखिए इतना गाढ़ा रहना चाहिए जिससे कि अगर आप अपने फेस पे लगाएं तो आसानी से लग जाए। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। इसको लगाना कैसे है, आप तीन उंगलियां लीजिए और इस तरीके से आप अपने फेस पे लगा लीजिए। एक थोड़ा गाढ़ा सा लेयर अपने चेहरे पे लगा लीजिए इस तरीके से।
फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको ये 15 दिन लगातार करना पड़ेगा। आप इसको 15 दिन लगातार करिए, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप एक महीना तक लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये रेगुलर करना है। और इसके आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप कम से कम 7 दिन या 15 दिन तो रेगुलर करिए, आप देखेंगे कि आपके बहुत ज़्यादा हद तक झाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आपकी जो स्किन लटक भी रही थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। अगर आपके ये सब होगा तो आप खुद ही इस रेमेडी को बार बार रोज़ यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इससे बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्शन में बदलाव आता है, बहुत जल्दी निखार आता है, चमक रहती है बरगार, एक अलग सा ग्लो रहता है। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगी कि आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। आपको अगर फ़र्क पता चले तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस रेमेडी ने कितना फ़र्क पहुँचाया है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको इस रेमेडी को रेगुलर ही करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आज कर लिया तो 10 दिन बाद भूल जा रहा है, आपको इसको रेमेडी को रोज करना पड़ेगा, तभी आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं वो थोड़ा लेट वर्क करती हैं, अगर लेकिन करेंगी तो पूरा 100% रिजल्ट देंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि आपको ये कितनी देर तक रखना है। आपको ये 10 से 15 मिनट तक रखना ही है फ्रेंड्स, और आपको ना पंखे में सुखाना है ना धूप में जाके बैठ जाना है। आपको ये नॉर्मल टेम्परेचर रूम में ही आपको सुखाना है अच्छे से। जब ये सूख जाए तो आप साफ पानी से इसको धो सकते हैं। तो ये तो रहा आज का नुस्खा। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टिप्स बताते रहूँगी। आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।